पर जो है हरिद्वार से कावड़ लेकर के यहाँ पर आज जन्मदिवस पर देवीलाल के जन्मदिवस पर यहाँ पर जल चढ़ाया जाएगा। पानीपत के देवीलाल पार्क में की प्रतिमा पर जो महम से हैं कार्यकर्ता वो यहाँ पर आए हैं और अभी इनका जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर लाइव, आपको बताएं किस तरह से जल चढ़ाया जाएगा। जल हरिद्वार से लेकर के आए हैं डाक कावड़ के तौर पर के यहाँ पर जो उत्साह है वो देखने को आप मिल सकता है, आप तस्वीरों में देखेंगे। बाबू देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबू देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्थगित होने के कारण ये जल ताऊ के यहाँ पानीपत चढ़ाया गया ताऊ देवीलाल पार्क में, ताऊ देवीलाल पार्क में आप बोलो ताऊ देवीलाल पार्क में ये चढ़ाया गया जल, वहाँ से चल लेके चले थे तो नहीं तो गोहाना के लिए रैली के लिए, हाँ रैली के लिए लेके चले थे, रैली स्थगित होने के कारण पानीपत चढ़ाया गया। आप लोगों की टीम थी जितनी वहाँ पहुँचे थे? हमारी 15 लोगों की टीम थी और मैम 24 शीशे। कब गए थे जल लेने के लिए? कल लेने, कल परसों शाम को निकले, कल 12:15 उठाया था जल। जन नायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का 105वां जन्मदिवस है और आज इस दिन को हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही हर्षोल्लास से एक त्यौहार के रूप में इस दिन को मनाने का काम करते हैं। हर साल किसी न किसी जिला स्तर पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है। ये तो कई दिनों से बारिश चली हुई थी और जो रैली स्थल था वहाँ पे काफ़ी जल भराव होने की वजह से इसको स्थगित करना पड़ा और ये रैली अब जो सम्मान दिवस समारोह है 7 अक्टूबर को वहीं गोहाना के उसी मैदान पर मनाई जाएगी। और जो बारिश हुई परमात्मा का जो कहर आज ये टूटा है, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और सरकार को मुआवजा देना चाहिए किसानों को, क्योंकि कई इलाके तो ऐसे हैं जहां डोड़ों के ऊपर से भी पानी है और फसल जीरी की जो है चाहे वो कपास की है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और आज इसीलिए पार्टी ने यह फैसला लिया कि हम जिला स्तर पर इस दिन को जहां जहां स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के स्टैचू हैं वहां पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके इस जन्मदिन को मनाने का काम करें। जैसे कि देवीलाल का जो यहाँ प्रतिमा है और उसको लेकर के जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, आपने देखा भी होगा वहाँ पर पेंट की जो है यहाँ पर कुछ लिखा गया है, गलत शब्द भी लिखे गए हैं, तो उसको लेकर के पार्टी क्या इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है किस तरह? देखिए पार्टी ध्यान तो देती है इस तरफ, बाकी जो शरारती तत्व है वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, शरारती तत्व का तो क्या कर सकते हो आप। लेकिन मैं तो अभी चर्चा कर रहा था अभी यहाँ पे, हम जैसे करनाल में भी हर साल गंगा जल से चौधरी देवीलाल के स्टैचू को नहलाने का काम करते हैं और उसके बाद उस पर पेंट भी हम करवाने का काम करते हैं। हर बारी 25 सितंबर से पहले 23-24 या 22 सितंबर को जैसे हमें मौका मिलता है तो मैं तो अभी सारे साथियों से पानीपत में भी स्थानीय नेता के इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर सकते। हाँ तो मैं तो अभी चर्चा कर रहा था कटर साहब से भी, भाई ये होना चाहिए था यहाँ पे, मतलब स्टैचू की देखभाल के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भी यहाँ पहुँचने वाले थे, किस कारण से नहीं आ पाए? आज वो कोई उनका निजी कारण से यहाँ नहीं आ पाए, उनको चौटाला साहब के कोई पैरोल के लिए कोर्ट में जाना पड़ा इसलिए वो नहीं आ सके। उनको बहुत ज़रूरी वहाँ पे काम था क्योंकि चौटाला साहब को भी अभी पैरोल शायद आज मिल जाएगी और वो भी 2 तारीख से हरियाणा की जनता के बीच में होंगे। ये 7 सितंबर को जो अभी पार्टी का जो सम्मान दिवस है जो गोहाना में दोबारा मनाया जाएगा, तो INLD और बसपा का जो गठबंधन है वो पहली रैली है और उसमें आज राजनीतिक जो है वो भी चुनाव चरम पर है, तो उसको लेकर के बसपा की तरफ से क्या
क्या मायावती यहाँ पर पहुँचेंगी या नहीं? देखिए उनको आज के दिन तो पहुँचना था, उनको उनको निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने आना था। भाई अभय सिंह चौटाला जी बहन मायावती जी से मिलके भी आए थे और उनको न्योता भी दे के आए थे और उन्होंने आने का वायदा भी किया था आज वो आती रैली में। लेकिन अगला जो कार्यक्रम 7 अक्टूबर का बना है वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनसे चर्चा करेंगे, उनके पास समय है या नहीं है वो तो बाद की बात है। लेकिन मेरे को लगता है कि वो 7 अक्टूबर को इस रैली में ज़रूर आए। स्थान के किस तरह से आप देखिए लोगों में आज 25 सितंबर को लेकर इतना भारी उत्साह था, हम जहाँ भी गए जिस भी गांव में गए जिस भी इलाके में गए हर जगह लोगों में इतना विश्वास था इतना उत्साह था कि हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। और यह उत्साह कम नहीं हुआ, 7 अक्टूबर को आप देखना इससे भी सवा लोग उस रैली में पहुंचेंगे और चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम आपको बता दें यहाँ पर जो जल अर्पित किया गया है चौधरी देवीलाल के चरणों में, तो यहाँ के जो बताया जा रहा है कि यह गोहाना के लिए जल उठाया गया था और रैली को जो है पोस्टपोन करने के बाद जो तारीख रखी गई उसके चलते पानीपत के देवीलाल पार्क की प्रतिमा पर इसका जल चढ़ाया गया। और यह जो व्यक्ति थे जो देवीलाल के प्रेमी थे और उनको पूजनीय मानते हैं, उस पूजनीय मानते हुए महम 24 से 15 लोगों की टीम 2 दिन पहले हरिद्वार से जो है कांवड़ उठा करके जल उठा करके डाक कांवड़ के तौर पर जैसे सावन के महीने में यहाँ पर लेकर के आते हैं, उसी तरह से गोहाना में रैली में जल चढ़ाने के लिए यहाँ से हरिद्वार से जल उठाया गया। और उसी के चलते वहाँ पर जब उनको सूचना मिली कि वहाँ पर जो बारिश के चलते रैली को स्थगित कर दिया गया है, यहाँ पर जो है पानीपत के देवीलाल पार्क में जल चढ़ाया गया है। सहयोगी नीरज कुमार के साथ इंद्र अलावत, सिटी तहलका, पानीपत। तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल सिटी तहलका न्यूज को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी खबरें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।